हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्वस लालू में फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग को दिखाएंगे कि दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ आसाम पे एरिसली कैसे बनाया जाता है। तो मैं गांव पे रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, हम लोग को पता है कि एरिसली कैसे बनाया जाता है। तब तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो अभी दिखाई दे रहा है ये हो गया एरिसलिक, हम लोग इसको बोलते हैं एरी पोलो। इसको बच्चा होने के बाद ये पालता है, पटा खिलाता है हम लोग, और जो पटा खिलाता है उस पटा का नाम कहता है कि एरी पटा। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो आप लोग को दिखा रहा है, और ये आप लोग को दिखाई दे रहा है जो बच्चा होने का बाद पटा खिलाने का बाद ये पक जाता है, मतलब अपना जो स्लिक होता है, स्लिक काटने में वो तैयार हो जाता है, और स्लिक होने का बाद वो उसका अंडर में रह जाता है। उसका अंडर रह जाने का बाद वो अपने आप अंडर में जो धागा है धागा बनाते रहता है। तो हम लोग तो धागा अपना बनाता है, बट वो धागा काटने का बाद उसका अंडर में रहता है, वो एक लेटा बनता है, हम लोग उसको लेटा कहता है, पोलो लेटा कहता है। और वो भी आप लोग को मैं दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, चलिए। और ये पकने का बाद हम लोग इसको वार्म करता है, यानी कि बॉयल करता है, वो स्लिक को वार्म करता है। वार्म करने का बाद हम लोग उसको उसका अंदर से एक जो पोलू निकालता है, लेटा निकालता है, हम लोग उसको लेटा कहता है। लेटा इस तरीके का होता है, इस तरीके का हम लोग उसको खाने के लिए बहुत टेस्ट होता है, और हम लोग उसको खाता है। उसके बाद हम लोग धागा कैसे बनाता है अभी उसको आप लोग को मैं दिखाएंगे, चलिए। और ये दोस्तों आप लोग दिखाई दे रहा है जो ये हो गया, जो मैंने कहा था कि ये वार्म करने का बाद बॉयल करने का बाद इसको इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसको इस तरीके से निकाला गया है, आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। इस तरीके से उसको बॉयल करने का बाद इसको ये ऐसे निकाला जाता है, पानी में भिजाने के बाद थोड़ा सा इसको नरम किया जाता है। और मेरा बहन जो है, ये मेरा बहन है, उसको अभी वो पढ़ाई कर रहा है बीए फोर्थ सेमेस्टर में है, तो अभी उसको उसका अपना मामी को ये हेल्प कर रहा है। ये मेरा मॉम है, तो मेरा मामी ने इसको जो धागा है, जो एरी का स्लिक है, उस एरी का स्लिक को इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो मैं मामी से पूछताछ करेंगे, तो माँ ये होता तो आपने जो उलिया आसे बा काटी आसे ये तो कैनके बनवा है, कैनके प्रस्तुत करा है, अपनी अकमान मुझे कब नहीं तो उनिया मतलब उसको हम लोग एक कहता है कि उसको ये जैसे निकाल रहा है उसको एक मतलब एक जगह पे उसको रखता है, तो उसको कहता है उनिया। तो मैं आप लोग को वो भी दिखाएंगे, चलिए उसको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, उसको कैसे उसको वहाँ पे रखता है। जो आप लोग को ये चीज दिखाई दे रहा है, और इस जगह पे इसी प्लेस में, यानी कि ये जगह पे जो धागा है, इस धागा को इस जगह में इस तरीके से उसको रखता है, और रखने का बाद इसको निकालता है। और इसका पर किलो कितना होता है, एक किलो में कितना करता है मेरे को मालूम नहीं। और इस सूटा से आपको इस धागा से हर कुछ सामान को बना सकता है, जैसे कि अपना पहनने वाला कपड़ा बना सकता है, और एक कपड़ा करीबन कितना साल जाता है मेरे को मालूम नहीं, तो मैं मामी से पूछताछ करेंगे एक कपड़ा कितना साल तक ये लास्टिंग होता है। तो माँ आपनी जे कपूर तो बनाए आसे, हुटा तो बनाए आसे, ए हुटा तो जदि आपनी ए हुटार पर की वस्तु बनाबो पारे, की की बना पाता पेन हेयो की जिंस पेन बना पाइबो, आको उस्ता बो बना पाइबो, आरो আৰু এখন এখন যদি ইস্কাপু বনোৱা হয়, সেই ইস্কাপুখন কিমান দিনলৈকে ইস্কাপুখন মানে কি হল লাষ্টিং হয়, কিমান দিন যায় এখন কাপোৰ, কিমান দিন যায় जब मैंने जन्म हुआ था तब मेरा मामी ने इस सूटा का जो इस धागा का कपड़ा बनाया था, जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस धागा का कपड़ा बनाया था, वो करीबन अभी 25 से 26 साल हो चुका है, क्योंकि मैं जन्म नहीं होने से पहले उसको बनाया गया था। तो मैं वो भी दिखाएंगे वो कैसा कपड़ा है। तो ये हो गया जो इस धागा से बनाया है, इस धागा से इसको बनाया है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ इसको। ये करीबन अभी मैं जब तक मालूम है करीबन अभी 25 या 26 साल हो चुका है, ये जब मैं जन्म नहीं होने से पहले बनाया था। तो अगर इस तरीके का कपड़ा होता है तो मैं बहन को बताएंगे कुछ दिखाने के लिए इसको। तो आप लोगों ने देखा होगा सर, ये कपड़ा है, तो इस तरीके का कपड़ा बनाया जाता है, और ये हम लोग इसको बोलते हैं कि एरी कपूर। तो आप लोग जो इस सूटा इस धागा से आप इस कपड़ा बना सकता है, इस तरीके का इस कपड़ा बनता है। तो इसको कलर भी आप दे सकता है, कलर देने के बाद इसका कलर दूसरा हो जाता है, ये अभी व्हाइट कलर का हो चुका है क्योंकि धागा व्हाइट कलर का होता है, और आप रंग डाल के उसको दूसरा कलर भी बना सकता है। तो ये करीबन अभी 20 से 25 साल हो चुका है इस कपड़ा को। तो एरी स्लिक बनता है, एरी स्लिक से आप लेके इस तरीका का कपड़ा बना सकता है, आपका शर्ट बन सकता है,
आपका शर्ट बना सकता है, आपका जो पहनने वाला है आपका पैंट बना सकता है, उसको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से उसको काटने का बाद यानी कि धागा को निकालने का बाद इसको इस तरीके से इसको रखा जाता है। तो रखने का बाद इसको सुखाया जाता है, फिर धूप में इसको सुखाया जाएगा, इसको निकालेगा, निकालने का बाद इसको धूप में सुखाएगा, सुखाने का बाद इसको पार किलो सिस्टम से इसको बेचा जाता है। घर में भी अपना कपड़ा बनाता है और इसको जो कोई लेने आता है तो उसको भी उसको मतलब बेचता है। तो मैं मामी से पूछना चाहता हूँ कि माँ आपने जो कपड़ा बनाए आछे आपनी बिक्री करे, आपनालोके बिक्री करे बा आपनालोके जदि बिक्री करे ए कपड़ा एक किलो बा एक केजि किमान दामत बिक्री करे आपनालोके? 3000 टका से इसको 3000 रुपया से पर किलो 3000 रुपया से इसको बेचा जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही है इस तरीका, बहुत ही मतलब इसको थोड़ा सा अभी नरम है जो सुखाने के बाद और ये हार्ड हो जाता है और इसको अच्छे से फटक से टूटता भी नहीं है। तो ये था आप लोग को मैं दिखाया आसाम का सिल्क है, जो आसाम का सिल्क कैसे बनाया जाता है और आसाम का सिल्क से कौन सा कपड़ा बनाया जाता है, कैसा कपड़ा बनाया जाता है, वो भी आप लोग को मैंने दिखाया है। और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भारत का यानी कि जो इन द वर्ल्ड में दुनिया को पता चले कि आसाम पे जो एरी सिल्क है उसको कैसे बनाया जाता है और एरी का जो कपड़ा है उसको कैसे बनाया जाता है उसको आप लोग को मैंने दिखाया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर इन योरसेल्फ।